लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पार्किंसन रोग का इलाज कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पार्किंसन रोग उम्र से संबंधी न्यूरो डिजनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को खराब कर देता है। यानी पार्किंसन रोग अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को कपकपी का अनुभव होता है, साथ ही शरीर का संतुलन बनाने में भी दिक्कत होती है। पार्किंसन रोग पीड़ित व्यक्ति की दिनचर्या तक को प्रभावित कर देता है। समय के साथ साथ पार्किंसन रोग की स्थिति गंभीर हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति को सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी होती है। पार्किंसन पूरी तरह इलाज संभव नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में दवाइयों और कुछ एडवांस ट्रीटमेंट से लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। पार्किंसन रोग का इलाज कैसे किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला है, दवाइयों का सेवन जरूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयों की जरूरत होती है। दवाइयों से किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है या फिर बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। पार्किंसन रोग में दवाइयों का सेवन करने से इसके लक्षणों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। दवाइयां लेने से संतुलन बनाने, कपकपी या हिलने डुलने जैसी समस्याओं को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है। अगर आपको पार्किंसन रोग के लक्षणों का अनुभव हो तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इस स्थिति में डॉक्टर आपके लिए कुछ दवाइयां लिखकर दे सकते हैं। दूसरा है, सर्जरी। पार्किंसन रोगियों को सर्जरी की सलाह भी दी जाती है। इस स्थिति में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि DBS सर्जरी की जाती है। इसमें मस्तिष्क के एक हिस्से में इलेक्ट्रोटोड ट्रांसप्लांट किया जाता है। इलेक्ट्रोटोड्स नर्व सेल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। इससे पार्किंसन रोग के लक्षणों को कम करने या कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हालांकि सभी पार्किंसन रोगियों की सर्जरी नहीं की जाती है। इलेक्ट्रोड्स की मदद से दवाइयों के डोज को कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि दवाइयों की जरूरत पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, सर्जरी के बाद भी व्यक्ति की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल और खानपान में कुछ बदलाव करने से भी पार्किंसन रोगियों की फायदा मिल सकता है। इसके लिए एक्सरसाइज और योगा का अभ्यास भी जरूर किया जाना चाहिए। दरअसल इन रोगियों में ब्रेन डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है। ऐसे में कुछ दवाइयों की मदद से इसकी कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।